पर पापा, आपने बताया नहीं आपको ये चोट कैसे लगी। भीम एक ऐसे खतरनाक शक्तिशाली योद्धा का सामना कर रहा था जिसके प्रहार में इतना दम था कि उसने जो पत्थर फेंका उसके एक छोटे से टुकड़े की वजह से मुझे इतनी बड़ी चोट आई। कौन था वो योद्धा पापा? उसका नाम था शूरा। मैंने भीम और शूरा के बीच में एक ऐसा कुंफू युद्ध देखा जो रोमांचक भी था और डरावना भी। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ मौजूद हर कोई भीम का शौर्य देखकर प्रेरित हुआ था। हाया। आप पैर अच्छा चलाते हो पर मुझसे जीत नहीं पाओगे लड़के। अब तक तो आपको काफी अच्छा जवाब दे रहा था। हा? मेरा कर्तव्य तुम जानते नहीं लड़के, टिक नहीं पाओगे। श्रीमान, मैं आत्मविश्वास से लड़ रहा हूँ और आप अति विश्वास से बोल रहे हैं। दिखाइए अपने कर्तव्य, देखते हैं जीत किसकी होती है। घमंडी बच्चे, अब देखो। बच्चों, कुंफू कराटे किसी को मारने पीटने के लिए नहीं है। पर हम भी भीम की तरह लड़ना चाहते हैं। देखो बच्चों, मुझे चोट लगी तो तुम दोनों को दुख हुआ ना? इसी तरह जब किसी को चोट लगती है तो उसके सगे संबंधियों को बहुत दुख होता है, इसीलिए बिना सोचे समझे लड़ना नहीं चाहिए। पर भीम ने युद्ध किया ना पापा? भीम ने ढोलकपुर और उसकी प्रजा को बचाने के लिए ही युद्ध किया था, अपने मजे के लिए नहीं। ढोलकपुर है निराला गांव, कहीं दो और
जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। भीम, इसमें तो पाँच नहीं बल्कि 15 आम है। शैतानी बोरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? शैतानी? कुछ और आम डालकर देखते हैं। ये कोई शैतानी बोरी नहीं बल्कि ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं जग्गू, तो चलो अब गांव चलते हैं। लेकिन पहले इसमें सारे आम तो डाल देते हैं। नहीं जग्गू, अभी के लिए हमारे पास काफी आम है, इसमें और मत डालना। ये लीजिए। लीजिए काका। हाँ? Thank you.
बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है, ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? नमस्कार। क से कथा, कथा मतलब कहानी। मैं प्रस्तुत करूंगा क से कथकली। क्या कहानी है? कुछ सच कुछ कल्पना है। कहाँ की है ये कहानी? कहानी है केरल राज्य की। केरल में क्यों? अपने ढोलकपुर में क्यों नहीं? क्योंकि कहानी में भीम है या नहीं? कुछ धूम धड़ाका है या नहीं? कहानी में भीम तो है ही, कालिया भी है। धूम धड़ाका तो अपने आप हो ही जाएगा। ओफो, कभी कुछ। कहानी शुरू भी करो। कहानी शुरू होती है केरल के राजमहल में, जहाँ महाराज चिन्मय का राज था। मेरे प्यारे राज्यवासियों, आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। ये प्राचीन मूर्ति जो हजारों साल पहले हमारे राज्य से लूट ली गई थी, कई सालों की खोज के बाद हम अपने राज्य में वापस ले आए हैं। ये अद्भुत मूर्ति हमारे राज्य का गौरव थी और हमेशा रहेगी। आने वाले उत्सव में इसकी स्थापना वापस की जाएगी। अब इसे हमारे राज्य से कोई नहीं छीन सकता। एक मेरे सिवा। सैनिकों, महाराज जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर अभी चिंता में समय न गवाएं। अज्ञात चोर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। प्रजा उत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अभी बहुत सी तैयारियां बाकी हैं और इस साल उत्सव में शामिल होने का संदेश आपके दोस्त ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा को भिजवा दिया गया है। अच्छी 99 सा। मैं आऊं? अभी नहीं। मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। कहाँ छिप गए हैं सब?
हमेशा तो चटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा, थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है वो। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो सब लो। अच्छा, तुम सब बच्चों को महाराज ने राजमहल में बुलाया है। केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। जब से माँ ने वो किमोनो पहना है, वो बदल गई है। वो किमोनो ठीक नहीं। हाँ, उस्ताद को कितनी मार पड़ी थी। चुप करो। माँ चिनमिंग की महारानी बन गई है। मुझे हम सबको भूल गई, लड्डू भी नहीं बनाती। चुटकी, हम टुनटुन मौसी को समझाएंगे। चलो चुटकी। बोलो महारानी टुनटुन की जय। महारानी टुनटुन की जय। जोर से बोले, महारानी टुनटुन की जय। महारानी टुनटुन की जय। छी बंदर। महारानी टुनटुन के दरबार में जानवर मना है। भीम, जग्गू कोई बंदर नहीं, हमारा दोस्त है। हाँ मौसी, मैं जग्गू। टकन टकन, याद आया? मौसी नहीं, महारानी। हट जाओ बंदर। इतने मोटे लोग महारानी के सामने नहीं आ सकते, और इतने छोटे लोग भी नहीं। सही कहा चिनमिंग। मौसी, आपको क्या हो गया? मौसी, आप हमारी टुनटुन मौसी हैं, लड्डू बनाती हैं। छी लड्डू, हमारी महारानी सिर्फ राज करती है। ठीक कहा चिन, राज करेगी महारानी टुनटुन, राज करेगी। माँ? माँ नहीं, महारानी। हट जाओ लड़की। मौसी बुरी महारानी है।
बहुत बुरी। महारानी आप हमारे साथ चलेंगी ना अपने नए राज्य पर राज करने के लिए? नहीं। क्या? पर क्यों? ढोलकपुर पर भी राज करेगी महारानी टुनटुन। राजा इंद्रवर्मा। ढोलकपुर महारानी टुनटुन के हवाले कर दो वरना। ढोलकपुर मेरा है। तुष्ट चिंगमिंग, तुमने टुनटुन मौसी को तुष्ट महारानी बना दिया। हम तुम्हें सजा देंगे। सिपाहियों है। गांव के लोग नहीं, बच्चों का शोर नहीं, कैंपिंग का मजा आएगा। हाँ? इस मैदान में साइकिल चलाना, पोस्टर चिपकाना और टेंट लगाना मना है। हाँ? हाँ? अच्छा लो, अब तो टेंट लगाना मना नहीं है। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है, चौके छक्के लग रहे हैं और अब बॉल फेंक रहा है कालिया। बैटिंग कर रहा है भीम। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। क्यों प्यारे बच्चों, बॉल वापस चाहिए? तो लेकर दिखाओ। चो। नहीं, नहीं, नहीं। वैसे आप चाहे तो आप
आप भी हमारे साथ गली क्रिकेट खेल सकते हैं। हम सब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंच गए भीम। हम ये कप जीत कर ही वापस जाएंगे। हाँ, ढोलकपुर वालों का दम दिखा ही देंगे। मैदान में उतर रहे हैं इस टूर्नामेंट का सरप्राइज टीम, ढोलकपुर टीम। ये ढोलकपुर टीम। सभी लोग इस बच्चों की टीम को देख के ताजुब हो रहे हैं, दर्शक भी और कीवी द्वीप के खिलाड़ी भी। खेलो और सबके दिल जीत लो बच्चों। अब मैच शुरू। चलो दोस्तों, कीचक इस बार मेरे साथ कालिया शुरुआत करेगा। ढोलकपुर की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं भीम और कालिया। सामना करेंगे मार्शल की तूफान पारी का। मार्शल अपनी पूरी जोर लगा के अटैक कर रहा है और एक खतरनाक बाउंसर। भीम ने समझदारी से डक किया। इस बार ये नहीं बचेगा, ये आउट होकर बाहर जाएगा या मार खाकर। भीम और मार्शल के बीच इस प्रतियोगिता में मार्शल जीतता हुआ नजर आ रहा है। शानदार शॉट। इसको बैटिंग नहीं धुलाई कहनी चाहिए। ढोलकपुर टीम में आत्मविश्वास जगा दिया है भीम ने। ये क्या विकेट बहुत जल्दी गिर रहे हैं। मार्शल ने ढोलकपुर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब ये स्कोर बनाना मुश्किल लग रहा है। तुम टिके रहना और गड़बड़ करते रहना। अब नए बैट्समैन है मन्नू। मन्नू संभालो अपने आप को। बॉल जोर से लगी भीम। हार मानकर वापस मत जाना मन्नू, खेलो। मैं दौड़ नहीं पाऊंगा भीम। हम सब एक टीम है मन्नू, कोई खिलाड़ी अकेला नहीं है यहाँ पर। अगर तुम जी भर कर खेलना चाहते हो और इनको जीत कर दिखाना चाहते हो तो जग्गू तुम्हारे लिए दौड़ेगा। भीम, कीचक की बातों में आकर मैंने ठीक से नहीं खेला, लेकिन अब खेलूंगा और इन इंडिया डीप वालों को हरा कर घर भेज दूंगा। ये हुई ना बात। दोनों ही बैट्समैन बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। भाग जग्गू। अब दो बॉल्स में 7 रन्स चाहिए जीतने के लिए। अब ये आखिरी बॉल है और जीतने के लिए सिक्सर ही चाहिए। एक तरफ है खतरनाक बॉलर मार्शल और दूसरी तरफ भीम। क्या भीम ये कर पाएगा? Unbelievable! ढोलकपुर ने इंडी डीप जैसे खतरनाक टीम को हराकर इस इंटरनेशनल कप को जीत लिया है। बहुत बढ़िया भीम, बहुत ही बढ़िया।